हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? को नमस्कार। कैश बुक की आज थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि कैश बुक के अंदर सिंगल कॉलम कैसे किया जाए और सेकंड क्लास में टू कॉलम। जैसे कि ये लाइव क्लास है, हर बच्चों को, हाँ जी दिल्ली आपको भी नमस्कार, फरीदाबाद नमस्कार, पटना नमस्कार, ग्वालियर नमस्कार, बिहार, छत्तीसगढ़ आप सभी को नमस्कार। और आप जानते हो, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में भी बोला था कि मेरा पर्पस कमेंट देख के उस टाइम पे इंस्टेंट रिप्लाई नहीं करना होता। हाँ, बाद में मैं देख के जरूर रिप्लाई करूँगा आपको, ठीक है ना? जो भी डाउट क्वेरी होगा उसका मैं सॉर्ट आउट करूँगा। पहले मैं अपने कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे पॉइंट्स डाउट में होते हैं, तो उस डाउट को लेने के चक्कर में जो मुझे मेन पॉइंट कराना होता है ना, वो भी रह जाता है, कई बार माइंड से स्किप हो जाता है। तो आज जो हम कर, इसलिए मेरा थोड़ा सा जो है करवाने का, मेरा जो पढ़ाने का मेथड्स है, पहले मैं अपने सारे जो मुझे कॉन्सेप्ट कराने हैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रियल लाइफ में जो काम आने हैं वो मैं करवाऊंगा, उसके बाद आपके डाउट लूंगा, ठीक है? तो थर्ड क्लास में हम पहुंच गए हैं टू कॉलम, है ना, डबल कॉलम जिसे बोलते हैं हम, टू कॉलम कैश बुक के अंदर। अब टू कॉलम कैश बुक कैसे करेंगे, मैं एक बार पहले फॉर्मेट बना लूं और उस फॉर्मेट के बाद फिर हम इस पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से होगा। तो फॉर्मेट कुछ ऐसा रहेगा टू कॉलम कैश बुक का हमारा। ये हमने, अब इसमें थोड़े आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा। देखो ये टी बन गया ना, टी शेप अकाउंट। इसके बाद एक कॉलम इधर अमाउंट का, एक कॉलम इधर, एक कॉलम इधर। सर कितने कॉलम? देखते जाओ बच्चे, देखते जाओ। इसको यहां तक लेके आते हैं, फिर हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे और कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे। एक कॉलम इधर, एक कॉलम इधर, इसके बाद एक कॉलम इधर, और ये बन गया कॉलम। देखिए बस बन गया, और कॉलम नहीं। अब हम इसे समझते जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, ये साइड हमारा होगा डेबिट और ये साइड हमारा होगा क्रेडिट। इस साइड से प्लस होगा हमारा और इस साइड से माइनस होगा, क्या? कैश। पहले बैंक वाले ट्रांजैक्शन को हम छोड़ दिया करते थे सिंगल कॉलम में, जैसे चेक रिसीव फ्रॉम राम, तो कैश तो नहीं आया, बैंक से पेमेंट आया तो वहां नहीं लिखते थे, लेकिन अब उसको भी कंसिडर करेंगे। अब इसको कुछ जेएफ बोलते हैं, कुछ एलएफ बोलते हैं, मैं एलएफ बोल देता हूं इसको। यहां पे मैंने पहला कॉलम कैश का बनाया और दूसरा कॉलम बैंक का। आप इसे इंटरचेंज कर सकते हो, जिसको लगता है कि भाई हम पहले बैंक बाद में कैश चलेगा, लेकिन हमने पहले कैश कॉलम सीखा था, अब बैंक कॉलम सीख रहे हैं। इसी तरीके से मैंने नंबरिंग दे दिया, यहां पे डेट और पर्टिकुलर, है ना, और एलएफ, और फिर से यहां पे पहले क्या था, कैश फिर बैंक, सेम सिचुएशन रहेगा, कैश और फिर बैंक। आप ऐसा मत करना, यहां कुछ और इंटरचेंज, यहां कुछ और, यहां पहले बैंक और यहां कैश करोगे तो गलत ही हो जाएगा, और यहां पर्टिकुलर, पर्टिकुलर और यहां डेट, ठीक है? ये तो स्पेसिफिक हमारा फॉर्मेट है जो हमें बनाना है। अब इसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स हैं, पहले हमें एक बार फॉर्मेट नोट कर ले, फिर पॉइंट्स को एक एक करके डिटेल डिस्कशन करेंगे, और पॉइंट को करने के बाद फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आएंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे नहीं आएंगे अभी, ठीक है जी? सबसे पहले यहाँ कैश कॉलम और बैंक कॉलम लिखने का क्या पर्पस है? देखो जो ट्रांजेक्शन, यानी जो पैसा लेन देन बिजनेस के अंदर कैश में होगा, वो तो आएगा कैश कॉलम में,
और जो ट्रांजेक्शन चेक के थ्रू होगा वो आएगा बैंक कॉलम में, ठीक है। अब एलएफ का भी यूज करेंगे हम कॉन्ट्रा एंट्री लिखने के लिए, ठीक है। क्या होता है कॉन्ट्रा एंट्री, मैंने बोल तो दिया लेकिन आगे हम डिस्कस करेंगे। तो एक कैश कॉलम है, एक बैंक कॉलम। जो कैश में ट्रांजेक्शन होगा कैश कॉलम में, और जो बैंक में ट्रांजेक्शन होगा बैंक कॉलम में। ये भी कैश कॉलम और बैंक कॉलम, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने यहां पर लिखना स्टार्ट किया, मेरे साथ साथ लिखेंगे प्यारे बच्चे। मैंने लिखना स्टार्ट किया आपके लिए, मैंने लिखा सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी में कैश का भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है और बैंक का भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। ये है हमारा ओपनिंग बैलेंस। आपने एग्जाम में लिखना नहीं है ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी का मतलब ही होता है ओपनिंग बैलेंस, और बीडी ब्रॉड डाउन आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। ये हमेशा होगा, कुछ भी ना बोला हो तो डेट कौन सा होगा, फर्स्ट, मैं 1 जनवरी ले लेता हूं, फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है। तो यहां हमने क्या लिखा, टू बैलेंस बीडी, और जो टू बैलेंस बीडी लिखा मैंने वो आ गया एक कैश का अलग और बैंक का। ये भी हो सकता है क्वेश्चन में कि बैंक का ओपनिंग बैलेंस ना हो और कैश का हो, और ये भी हो सकता है कि कैश का ना हो और बैंक का हो। तो अगर किसी का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो अगर कैश का दे रखा है तो यहां लिखेंगे और यहां पे खाली छोड़ देंगे, और अगर बैंक का दे रखा है कैश का नहीं तो इसे खाली छोड़ देंगे। लेकिन एक इसके अंदर बहुत ही चिंता की बात या फिर हमें समझने वाली बात की हम बात करें, कई बार बैंक के अंदर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है, तो बैंक का जो बैलेंस है वो यहां भी आ सकता है। इसको ध्यान दीजिएगा, रेड मार्कर से लिख रहा हूं, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब है कि बैंक का बैलेंस बीडी इस साइड भी आ सकता है। सर ऐसे कैसे होगा, अभी समझाते हैं। आप बैंक के अंदर पैसे मत रखो, आपका बैंक वाले क्या करेंगे, चार्ज लगाएंगे। चार्ज जब लगाएंगे तो वो घर के अंदर आपसे पैसे मांगने नहीं आएंगे, वो आपके बैंक के बैलेंस को नेगेटिव कर देंगे। जब आपके बैंक के बैलेंस को वो नेगेटिव करेंगे तो जैसे ही आप उसमें पैसे डालोगे आपके बैलेंस काट लिए जाएंगे। तो कई बार आपको, आपने सुना होगा कि अकाउंट में पैसे डाले वो कट गए, तो यही रीजन होता है। तो बैंक का नेगेटिव बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, नेगेटिव बैलेंस, ये होता है हमारा बैंक का नेगेटिव बैलेंस और ओपनिंग, तो वो इस साइड आएगा। तो अगर बैंक का पॉजिटिव बैलेंस है तो इधर आएगा, अगर बैंक का नेगेटिव बैलेंस है तो इधर आएगा। या तो ये होगा या तो ये होगा। इसको हम बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस, सॉरी डेबिट बैलेंस, बैंक में डेबिट बैलेंस भी बोला जाता है, इसको हम डेबिट बैलेंस भी बोलते हैं। डेबिट साइड में दिखेगा बैंक का डेबिट बैलेंस, ठीक है ना। बैंक में क्रेडिट का मतलब, चलो या फिर आप ऐसा करो डेबिट और क्रेडिट को भी रहने देते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा ना हम क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे, अभी कंफ्यूज मत होना। अभी तक हमने क्या सीखा, जल्दी मेरे मेरे साथ देखो। सबसे पहले टू कॉलम कैश बुक में, एक कैश का कॉलम एक बैंक का, ये दोनों कॉलम आ गए हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, टू कॉलम कैश बुक। और इसके अंदर एक एलएफ का कॉलम होगा जिसका यूज यहां होने वाला है, और डेट का तो नॉर्मल कॉलम होता ही है। साथ के साथ जब बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस होंगे तो कैश वाले कॉलम में भी आएगा और बैंक वाले कॉलम में भी आएगा। डेट क्या रहेगा जी, डेट रहेगा स्टार्टिंग का। और सेम इसी तरीके से कई बार हो सकता है बैंक का बैलेंस क्या हो, नेगेटिव। तो नेगेटिव होगा तो किस साइड होगा, हमारा क्रेडिट साइड में होगा, ठीक है जी। और इसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे या क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, इसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब अगर हमें कैश में पैसा रिसीव होगा तो यहां जाएगा और बैंक में यहां। जैसे कि मैं एंट्री लिखने चला, 2 तारीख को मैंने एंट्री लिखा, टू कैश सेल्स, 2 तारीख को एंट्री लिखा कैश सेल्स, तो नगद में सेल्स है, कैश में सेल्स है। देखिए आप यहां कैश में सेल्स है तो कहां आएगा जी, कैश वाले कॉलम में, ठीक है, कैश वाले कॉलम में, जब कैश में सेल्स होगा। इसके बाद क्योंकि आ रहा है, मैंने बोला टू
चेक रिसीव, चेक रिसीव, जब चेक हम रिसीव करेंगे तो रिसीव करते टाइम पे चेक रिसीव है और चेक का सीधा सीधा कनेक्शन, चेक का सीधा सीधा ताल्लुकात किससे है? जी बैंक से है। तो ये जब चेक रिसीव करेंगे और किससे रिसीव किया, मैं यहां नाम लिख देता हूं। मैंने मान लो मैंने राम से चेक रिसीव किया, राम से मैंने क्या करा, टू राम करके और ब्रैकेट में लिख देता हूं चेक रिसीव, चेक रिसीव, ठीक है। इसके ऊपर हम बना देते हैं स्टार। इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा बाद में, अभी जब मैं इसके बाद करूंगा तो समझेंगे। तो राम से चेक रिसीव किया तो चेक रिसीव कहां आ जाएगा, बैंक वाले कॉलम में। अब मान लो मैंने रेंट पेड किया तो इस साइड नहीं लिखेंगे, इस साइड आएगा। मैंने लिखा बाय रेंट, बाय रेंट, और रेंट अब किसमें पेड किया ये पता करो, कुछ नहीं बोला हुआ, सिर्फ लिखा हुआ है रेंट पेड, कुछ नहीं बोला हुआ तो मानेंगे कैश में है, ठीक है ना, तो मानेंगे कैश में है। ये लो मान लेते हैं 3 तारीख की एंट्री, अब मान लेते हैं 4 तारीख की एंट्री। मैंने क्या करा, बाय साइड में मैंने करा स्टेशनरी खरीदा है, स्टेशनरी, और वो भी मैंने पेटीएम के थ्रू खरीदा है या फोन पे के थ्रू खरीदा है या चेक के थ्रू खरीदा है, तो बैंक से ट्रांजैक्शन है, तो बाय स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी, और स्टेशनरी इस कॉलम में आ जाएगा, ठीक है, स्टेशनरी इस कॉलम में आ जाएगा बैंक वाले में। नंबर थ्री, 4 के बाद 5 तारीख। अब सपोज करो और क्या हो सकता है, मैंने अपना फर्नीचर बेच दिया, फर्नीचर बेचा और मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, तो फर्नीचर बेचने के बाद मेरे अकाउंट में पैसे आ गए तो टू फर्नीचर। अब मैंने बोला मेरे अकाउंट में पैसे आ गए तो आप बताइए कैश वाले में लिखूं या बैंक वाले में, तो सिंपल सा जवाब है सर अकाउंट यानी बैंक से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे ही मैंने क्या करा, सामान खरीदा, नगद में गुड्स खरीदा, जब गुड्स खरीदा मैंने तो 6 तारीख की एंट्री करने जा रहा हूं मैं, मैंने लिखा बाय परचेज, बाय परचेज गुड्स खरीदा। अब नगद में खरीदा है तो किस कॉलम में आएगा, इस वाले कॉलम में आ जाएगा। सेम मैंने क्या करा, 7 तारीख को, मैं बस अभी एक फॉर्मेट बताता जा रहा हूं, 7 तारीख को, 7 तारीख को मैंने क्या करा, सपोज करो मैंने चेक निकाल लिए अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए चेक निकाले हैं, तो यहां पे बाय साइड में आएगा पर्सनल यूज के लिए तो ड्रॉइंग। अब मैंने निकाले क्या है, चेक, तो चेक का ताल्लुक सीधा बैंक से, ठीक है। अब मुझे लगता है कि मेरे बिजनेस के अंदर और पैसा लगाना चाहिए, मैं घर से पैसे लेके लगा दिए मैंने, तो घर से जब मैं पैसे लेके आऊंगा तो वो होता है हमारा कैपिटल, या फिर बाद में जब बीच में लगाते हैं ना कभी भी दोबारा, तो उसको नाम दे देते हैं एडिशनल, एडिशनल कैपिटल। अब मुद्दे की बात है कि जी एडिशनल कैपिटल जो है वो कैसे है, क्या आपने चेक के थ्रू बैंक के अकाउंट में डाल, चेक के थ्रू अपने घर से सीधा पैसा कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर किया है या फिर कैश लगाया, अगर कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर किया है तो बैंक कॉलम में आएगा, या आपने चेक लगाया तो यहाँ पे कैश दिया है तो यहाँ आ जाएगा। मैं कैश मान के चल रहा हूं 8 तारीख। इसके बाद मान लेते हैं इंटरेस्ट बैंक वालों ने काट लिए, इंटरेस्ट काट लिए बाय बैंक चार्ज, बैंक चार्ज, बैंक चार्ज, है ना। अब बताइए मुझे, ये आपको सोचना है, बैंक चार्ज में क्या क्या आता है, एटीएम का चार्ज आता है, एटीएम के साथ साथ आपका चेकबुक का चार्ज होता है, एसएमएस का चार्ज होता है, तो ये चार्ज बैंक वालों ने काट लिए, तो कैश में से माइनस होना चाहिए या बैंक में से। तो आप हमेशा ध्यान रखना है ऐसे खर्चे बैंक वाले बिना बताए काट लेते हैं, हमसे मांगने नहीं आते, तो ये बैंक वालों से रिलेटेड है, ठीक है। 9 तारीख की एंट्री, इधर एक एक एग्जाम्पल लेके करते जाते हैं। मैंने राहुल से कैश रिसीव किया तो क्या लिखेंगे, टू राहुल, राहुल से क्या रिसीव किया मैंने, कैश
कैश, अब बताओ किस कॉलम में जाएगा, ये जाएगा हमारे कैश कॉलम में, ठीक है ना। इसके बाद मान लो एक एंट्री मैंने बोला कि मैंने अपने बिजनेस से कैश निकाल के अपने बच्चे के लिए, एक बिजनेसमैन है अपने बच्चे के लिए ट्यूशन फी पेड कर दिया, बच्चे के लिए ट्यूशन फी पेड किया बाय ट्यूशन फी, तो ट्यूशन फी क्या होगा बच्चे के लिए, तो सर ये ड्राइंग ही तो है, क्या है ये ड्राइंग ही तो है, और कैश निकाला है तो कौन से कॉलम में आ जाएगा जी, कैश कॉलम में। 9-1, 7 के साथ और ड्राइंग क्या होता है, इनकम टैक्स पेड करोगे, इनकम टैक्स चेक से पेमेंट होता है हमेशा, कैश वाला जमाना गया, इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स भी हमारा क्या आएगा, ड्राइंग, इनकम टैक्स भी किसमें आएगा, ड्राइंग, मैं लिख देता हूं यहां IT इनकम टैक्स, और ये कहां से माइनस करना, यहां से 10। अगर क्वेश्चन बोलता है कि भाई 1 तारीख का है और सॉरी क्वेश्चन बोलता है कि कैश में दो, तो कैश कॉलम में लिखना। इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, 11 तारीख को लाइफ इंश्योरेंस भी क्या होता है हमारा, लाइफ इंश्योरेंस होता है हमारा ड्रॉइंग, लाइफ इंश्योरेंस भी हमारा ड्रॉइंग ही होता है, मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में लाइफ इंश्योरेंस LI, और लाइफ इंश्योरेंस ड्रॉइंग होता है, और ड्रॉइंग ये भी बैंक के थ्रू ही जाएगा। लो जी लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की हमने चर्चा की और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मार्क भी किया और साथ के साथ आपने समझा भी। अब कुछ और भी पॉइंट हमें देखना जरूरी है जो कि इसके अंदर आएंगे, और उसके लिए मैं नोट भी लिखवाऊंगा और आपको लिखते जाना है साथ के साथ। इसको फॉर्मेट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, है ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए ये बड़ा हो गया हमारा। और भी कुछ पॉइंट्स लिखते जाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे, टू बी कंटिन्यू। ये थे कुछ खर्चे, सॉरी ये थे कुछ जहां से पैसे रिसीव होंगे और ये थे जहां से हमने पेमेंट किया है। अब मैं कुछ पूछूंगा, आप मुझे बताना। मैंने बिल्डिंग खरीदा है और मैंने 10,000 दिए कैश और 90,000 दिए मैंने चेक से। मैंने बिल्डिंग खरीदा है तो 10,000 दिया मैंने कैश और 90,000 दिया चेक से, तो सबसे पहले बिल्डिंग किस साइड आएगा, बाय, और बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग, तो 90,000 रुपए दिए चेक से, तो यहां पे आ जाएगा कौन सी एंट्री, मैं लिख भी देता हूं 90,000 वाला, और इस वाले में आ जाएगा हमारा कौन सा, 10,000 वाला, क्योंकि इसके अंदर दोनों ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, ऐसा भी तो करते हैं ना हम। सेम ऐसे मान लो मैंने सेल्स किया, उसने 200 रुपये मुझे पेटीएम किया और 800 रुपये कैश दे दिए, 1,000 रुपये का सेल किया, तो एंट्री क्या करेंगे, टू सेल्स, टू सेल्स, और उसने मुझे कुछ पैसा कैश दिया, तो जितना पैसा कैश दिया कैश में और जितना पैसा हमें चेक से यानी मेरे बैंक में डाल दिया उसने, वो बैंक में। तो ऐसे भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जिसके अंदर दोनों पार्ट इन्वॉल्व हो। अब बताइएगा, मोहन से मुझे 1,000 रुपए मिले ऑन द बिहाफ ऑफ सोहन, इसका मतलब है मोहन से मुझे पैसा मिला और सोहन को देना था, सोहन के बदले मुझे मोहन ने दे दिए, तो क्वेश्चन रेज होता है सर यहां पे सोहन भी है मोहन भी है, अगर आपकी फीस की मैं बात करूं तो आपकी फीस मुझे आपके पेरेंट्स ने दिया है, किसके बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे, तो मैंने आपके पेरेंट्स के एडमिशन नहीं किया, मैंने आपका एडमिशन कर रखा है यहाँ पे, तो आपका जो एडमिशन किया हुआ है, ऐसे सेम मोहन ने मुझे पैसे दिए ऑन द बिहाफ ऑफ सोहन, तो यहाँ पे जो एंट्री में लिखूंगा कैश रिसीव हुआ वो मैं मोहन का नाम नहीं लिखूंगा, सोहन का नाम लिखूंगा। जिस तरीके से पैसे आपने नहीं दिए, आपके पेरेंट्स ने दिए हैं, आपके पेरेंट्स ने अगर पैसे दिए हैं तो मैं आपके पेरेंट्स के नाम नहीं लिखूंगा यहाँ पे, पैसे मुझे उनसे मिला, मैं आपका ही नाम लिखूंगा कि मुझे बच्चे से पैसे मिला है। तो आप हमेशा एक ये भी याद रखना है, आपने आपने एक ये भी याद रखना है, कई बार क्वेश्चन बोल सकता है, मैं इसको नोट सेक्शन में भी लिखवाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। और क्या बताएं, और मान लो मैंने अपना कैमरा खरीदा है और चेक दिया है मैंने कैमरा खरीदते टाइम पे, अब बताओ किधर आएगा,
आप बताओ टू साइड में लिखेंगे या बाय साइड में लिखेंगे? तो आंसर है सर, जब कैमरा खरीदा है तो इट शुड बी रिकॉर्डेड बाय साइड, इसे बाय साइड में लिखना चाहिए। ठीक है, इसको 14 तारीख की एंट्री कर देते हैं, बाय साइड। और मैंने अगर चेक से खरीदा है तो कहां जाएगा? बैंक में। अब मान लो मुझे इंटरेस्ट मिला है बैंक से, तो बैंक से जब इंटरेस्ट मिलता है तो क्या आपने देखा है, जब आपको इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक वाले फोन करते हैं, हेलो आइए और मेरे से इंटरेस्ट लेके जाइए। कभी बोला है उसने? नहीं बोला। ऑटोमेटिकली बैंक में वो आ जाता है। तो जब कभी भी इंटरेस्ट सेविंग या किसी पे मिलेगा तो किस साइड आएगा? टू साइड में, टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट। और डायरेक्टली कहां चले जाएगा? बैंक में। ठीक है, 18 तारीख। तो अभी तक हमने विदाउट एनी टिपिकल एंट्री हमने क्या देखा कि कुछ पेमेंट जब रिसीव होगा तो इस साइड लिखा जाएगा, और उस रिसीव को करते टाइम पे हमें ये चेक करना है कि वो कैश से रिलेटेड है या बैंक से रिलेटेड है, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जब पेमेंट करेंगे तो इस साइड जाएगा, और उसमें भी देखना है चेक से है या फिर कैश में है। अगर चेक से रिलेटेड है तो बैंक कॉलम का इस्तेमाल करेंगे, और कैश से रिलेटेड है तो हम इस्तेमाल करने वाले हैं क्या? हम इस्तेमाल करने वाले हैं कैश कॉलम। ठीक है, चलिए। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक एंट्री है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और मैंने यहां पे लिखा, मैं उसको रेड से लिख देता हूं एक एंट्री को। मान लो मैंने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, मैं लिख रहा हूं यहां पे, मैंने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो बताइए, एक तो यहां कैश डिपॉजिट किया और कहां किया हमने? बैंक में। तो कैश पे इंपैक्ट आएगा, और बैंक कॉलम की बात देखो, जो हमारे टू कॉलम है इसमें कैश का कॉलम भी है, बैंक का कॉलम भी है। तो हमें एक एंट्री टू में भी करना पड़ेगा और एक एंट्री हमें बाय में भी करना पड़ेगा। तो कैश डिपॉजिट अगर मैंने किया है तो कैश तो हमारा माइनस हो जाएगा और बैंक बढ़ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ता है? ऐसे सिचुएशन में मुझे करना पड़ता है कि मेरा बैंक बढ़ेगा। तो क्यों बढ़ेगा भाई मेरा बैंक? बैंक बढ़ गया मेरा, ये लो कैश के लिए। और ऐसे सिचुएशन में मेरा कैश कम हो जाता है। क्यों कम हुआ? क्योंकि बैंक से ट्रांजेक्शन हुआ, तो ये मैंने क्या कर दिया? कैश कम। इस एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इस एंट्री को क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, यानी यहां दोनों ट्रांजेक्शन पे फर्क पड़ा है। एक और देखो, मैंने लिखा सेकंड पार्ट, कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब देखिए, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कहाँ कहाँ फर्क पड़ा? एक हमारा कैश है और एक बैंक है। कैश विड्रॉन करेंगे तो बिजनेस का कैश जो है वो प्लस होगा, और जो बिजनेस का बैंक है वो माइनस होगा। तो हमें कैश कॉलम में इधर प्लस करना पड़ेगा और बैंक कॉलम में इधर माइनस करना पड़ेगा। इसको मैं अलग ही मार्कर से लिखता हूँ, रेड मार्कर से जो मैं लिख रहा था। तो यहाँ पे मेरे कैश में पैसा आएगा, कैश में पैसा आएगा, क्यों आया? बैंक की वजह से। क्यों आया? बैंक की वजह से, ये लो बैंक की वजह से। और मेरा बैंक माइनस हो जाएगा। क्यों हुआ बैंक माइनस? क्योंकि बैंक से मैंने क्या निकाल लिया? कैश। सेम अकाउंट में सेम नेम कभी नहीं लिखा जाता। और ये भी क्या होगा हमारा? ये भी होगा कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहां तक भी देखेंगे तो हमारा क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री। चलिए इसको मिटाते हैं फटाफट से। कॉन्ट्रा एंट्री, यहां तक आप पहले यहां देख लेते हैं, हम इस साइड नोट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है सफिशिएंट स्पेस है। अब चलिए इधर देखते हैं। ठीक है, मैं इधर कॉन्ट्रा एंट्री की बात करूंगा और यहां नोट नोट फोर, नोट नंबर वन, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री कब किया जाएगा? कॉन्ट्रा एंट्री किया जाएगा सिर्फ दो रीजन की वजह से। दो रीजन होंगे तब करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। कौन कौन से दो रीजन होंगे?
या तो डिपॉजिट होगा या तो विड्रॉन होगा, यानी कॉन्ट्रा एंट्री इसलिए कि हमारे बिजनेस से पैसे बाहर नहीं जाएंगे, हमारे पास पैसे घूम फिर के वापस आ जाएगा, हमारे पास पैसे क्या होगा रिटर्न में वापस आ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। डिपॉजिट कैसे कैसे बोल सकता है, यहां पे डिपॉजिट की बात करें तो क्या क्या वर्ड होगा डिपॉजिट में, होगा कैश सेंट, एक ये वर्ड हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक हो सकता है कैश डिपॉजिट, ठीक है, और क्या हो सकता है डिपॉजिट में, और डिपॉजिट में हो सकता है हमारा पेड, पेड इनटू बैंक, और क्या हो सकता है कैश में सेल्स किया हमने एंड डिपॉजिट, डिपॉजिट इनटू बैंक। तो इसके अंदर देखो, अंडरलाइन कर देता हूं मैं, पहले तो कैश सेल्स हुआ, मेरे पास पैसा आया, फिर मैंने उसको डिपॉजिट किया। तो ये कुछ एक पॉइंट है डिपॉजिट करने के अलग अलग तरीके से, कि हमारे पास क्या होता है कैश डिपॉजिट हम कर देते हैं, तो इसमें फर्क कहाँ पड़ेगा, एक फर्क पड़ने वाला है कैश में जब इस तरीके का एंट्री हो, और एक फर्क पड़ेगा मेरे बैंक पे, ठीक है। जब कैश डिपॉजिट कराएंगे तो कैश हमारा माइनस होगा, और जब डिपॉजिट करेंगे तो बैंक पे फर्क पड़ेगा, बैंक क्या होगा हमारा प्लस होगा, ठीक है। अब जब कैश माइनस होगा तो कैश माइनस किस साइड होगा बताओ, कैश जब माइनस होगा तो कैश माइनस होता है हमारा बाई साइड से, बाई साइड से, और बाई साइड में हम किस नाम से माइनस करेंगे, इसे माइनस करेंगे बैंक के नाम से, और जब प्लस होगा तो किस साइड होगा टू साइड में होगा, और क्या प्लस होगा बैंक, और किस नाम से करेंगे हम इसको कैश के नाम से बैंक कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। ये तो था डिपॉजिट की एंट्री, अब हम बात करते हैं विड्रॉन की एंट्री। विड्रॉन में क्या क्या हो सकता है लिखा हुआ ये देखिए, विड्रॉन में हो सकता है कैश विड्रॉन, फॉर ऑफिस यूज होना चाहिए, और क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कैश विड्रॉन सिर्फ लिखा हो, और क्या हो सकता है चेक को एनकैश करवाया हो, ये है विड्रॉन के तीन पॉइंट जो हो सकते हैं। अब यहां पे कहा मैं इसे अलग मार्कर से पड़ेगा, एक कैश पे फर्क पड़ेगा जी, है ना, और कहां फर्क पड़ेगा, यहां एक बैंक पे फर्क पड़ेगा, इंपैक्ट जो आएगा हमारा कर रहा हूं विड्रॉन के लिए। कैश पे क्या फर्क पड़ेगा जब विड्रॉन करेंगे, तो विड्रॉन करेंगे कहां से बैंक से, तो कैश हमारा प्लस हो जाएगा, और बैंक पे क्या फर्क पड़ेगा, बैंक से निकाल रहे हैं तो बैंक क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कैश हमारा प्लस होगा, तो किस साइड हमें प्लस करके भी पैसा, तो हमारा आता है टू साइड में, और ये आएगा हमारा टू साइड में, और टू साइड में कैश कॉलम को प्लस करना है किस नाम से बैंक के नाम से, सेम माइनस होगा तो माइनस कहां से होगा हमारा बाय साइड। हर किसी को दिख रहा है ना ये, एक बार चेक करिए, ये आप सभी को दिख रहा है बिल्कुल ऑल क्लियर, कहां से आएगा बाय साइड से, और बाय साइड से जब जाएगा तो बाय साइड का माइनस होगा ये, और नाम किससे माइनस होगा, देखो बैंक माइनस हो रहा है तो हमेशा नेम होगा कैश। जब कभी भी हम कॉन्ट्रा एंट्री इस तरीके की एंट्री को देखेंगे तो उसके आगे सी वर्ड को लगाना जरूरी है, और दोनों साइड सी लगेगा, इससे हमें पता चलेगा ये एंट्री क्या है हमारा कॉन्ट्रा एंट्री। कुछ एक एंट्री ऐसे भी होंगे आपके जो कॉन्ट्रा एंट्री के जैसे लगेगा लेकिन वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगा, लिख देते हैं नॉट कॉन्ट्रा एंट्री, जैसे कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज,
यूज। अगर आप पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉन करोगे तो इट इज अ नॉट, इसमें सिर्फ और सिर्फ कहां फर्क पड़ेगा पता है? सिर्फ कैश में। और कैश क्या हो जाएगा? माइनस हो, और ये ड्रॉइंग के नाम से माइनस हो जाएगा। तो ये था हमारा कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। अब मुझे आप बताइएगा, मैं पूछता हूं, पहली एंट्री कैश सेंट यानी कैश डिपॉजिट किया, फर्क कहां पड़ेगा? कैश माइनस होगा और बैंक प्लस होगा। पहले हम प्लस की बात करेंगे फिर माइनस की बात करेंगे। बैंक कॉलम को प्लस करना है तो इधर मैं क्या लिखूंगा? कैश। कैश लिख के बैंक कॉलम में क्या करेंगे? प्लस। अब माइनस की बात करते हैं, कैश माइनस होगा, किस साइड माइनस होगा? इस साइड माइनस होगा। कैसे माइनस करेंगे? कैश को माइनस करने के लिए बाय बैंक लिख के हम कैश को सॉरी हाँ बाय बैंक लिख के हम कैश को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सेकेंड एंट्री कैश डिपॉजिट किया। अब पहले प्लस के बारे में सोचो, कैश जमा किया तो हमारा बैंक का बैलेंस प्लस होगा, यानी पहले प्लस वाली चीज के बारे में सोच लेते हैं और वो बैंक कॉलम होगा। तो ये हमारा क्या है? बैंक कॉलम, इधर लिखना पड़ेगा। लेकिन किस नाम से लिखेंगे? जी बैंक में अगर लिख रहे हो तो कैश के नाम से लिखोगे। यहां कैश लिखा जाएगा ताकि पता चले कैश बैंक में जमा हुए हैं। और दूसरी माइनस की बात करते हैं तो कैश माइनस होगा तो इस वाले कॉलम में आ जाएगा। किस नाम से माइनस होगा? वो माइनस होगा बैंक के नाम से। यानी सिंपल, इस कॉलम में कॉन्ट्रा एंट्री लिखना है तो हमें यूज करना होगा बैंक, और इस कॉलम में लिखना है तो यूज करना होगा कैश। सेम, अगर इस कॉलम में कॉन्ट्रा एंट्री है कैश कॉलम में तो लिखना होगा बैंक, और अगर इस कॉलम में लिखना हो बैंक में तो लिखना होगा कैश। अगली एंट्री चेक एंड कैश। चेक एंड कैश का मतलब क्या होता है? हमने बैंक से सेल्फ का चेक काट के निकाल लिया है। जब बैंक से हमने चेक निकाला है उसे बोला जाता है चेक को एंड कैश कराना। जब हम चेक एंड कैश कराएंगे तो मेरे पास कैश आ जाएगा और बैंक बैलेंस माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले प्लस, प्लस में हमारा कैश कॉलम प्लस होगा तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे कैश वाले कॉलम में, और कैश वाले कॉलम में किस नाम से लिखना पड़ेगा? जी मुझे कैश वाले कॉलम में लिखना पड़ेगा बैंक के नाम से। और दूसरा माइनस, माइनस क्या होगा हमारा? बैंक माइनस होगा तो हमें बैंक वाले कॉलम में लिखना पड़ेगा, लेकिन यूज क्या करेंगे हम? कैश वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये था हमारा नोट नंबर वन, किससे रिलेटेड? कॉन्ट्रा एंट्री से रिलेटेड, ठीक है। अब नोट नंबर टू की बात करेंगे हम, जो है एंडोर्समेंट से रिलेटेड। एंडोर्समेंट से रिलेटेड इस पे डेट डाल देते हैं 19। अब देखिए इस पे 19 डाला है तो बट ऑब्वियस है इधर भी क्या डालेंगे? 19। अगर इस पे 21 डाला है तो इस वाले एंट्री पे भी डालेंगे 21। दोनों साइड सेम डेट रहेगा हमारा। एक बार फटाफट आप इस वाले नोट को नोट करिए, मैं भी इसे इरेज कर दूंगा। इसके बाद हम करेंगे एंडोर्समेंट की बात, ठीक है। इसको नोट करिए, एंडोर्समेंट की बात, नोट नंबर वन कॉन्ट्रा एंट्री का। और ये मैंने आपको समझाया कैसे कैसे करना है, नहीं करना है, ये चीजें ध्यान रखना है आपने। ये ध्यान दीजिए, ये है हमारा एक, और एक ये है, क्लियर, और एक ये है जिस पे ध्यान दे रहा है देता हूं। वैसे तो आपको दिख रहा है तो बड़े साफ साफ और सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट करिए इसको। ये हमारा कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं तो हम डिनोट करते हैं इसको सी से, और किस वाले कॉलम में लिखते हैं हम लिखते हैं LF वाले कॉलम में, सी से इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। आप फटाफट इसे नोट करिए, फिर कुछ और दो चार एंट्री है वो सीखने के बाद हमारा पूरा ही क्लियर हो जाएगा। अभी जो मैं कैश कॉलम करने जा रहा हूं ये विदाउट जीएसटी है। जीएसटी जब आएगा तो जीएसटी के साथ हम इसको डिस्कशन कर लेंगे। ये कैश कॉलम हमारा विदाउट जीएसटी है, नोट करिए जल्दी से, फटाफट से नोट करिए। कॉन्ट्रा एंट्री हमने देखा, और कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, एक मैंने यहां एग्जाम्पल भी लिख दिया आपका, और ये यहां से भी आपको समझा आपने। आप नोट करिए जल्दी जल्दी, फटाफट नोट करिए। कर लिया नोट? मैं इसे इरेज कर देता हूं। जिन बच्चों ने नहीं किया नोट, पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके नोट करिएगा, ठीक है। आपके पास तो है ये फैसिलिटी अवेलेबल। अब आते हैं, मिटा दिया जाए इसको, नोट नंबर वन खत्म। चलिए
जिसके जो डाउट है कमेंट्स आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं अभी बताऊंगा नहीं, मैं इसको पहले सॉल्व कर लूँ और इसके बाद मैं टाइप करके तो मैं जवाब दे ही दूंगा, लेकिन फिर पता है बोलने में क्या होता है, नाम लो ये मोहन सोहन इना मीना डीका, तो वो फिर टाइम खराब होता है बस उसके अंदर, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है और शायद मैं नाम लेने में, गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून करने में इतने देर में कोई ऐसा वर्ड बोल दूँ जो एग्जाम में आ जाए और एक नंबर आपके आ जाए, मेरे लिए तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट नंबर टू, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट बेसिकली, एंडोर्समेंट का मतलब होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर। ठीक है, एंडोर्समेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है हमारा, ट्रांसफर। अब ध्यान से एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा क्या है, बिजनेस है, ठीक है, ये मेरा बिजनेस, दिख रहा है आपको क्लियरली? नहीं दिख रहा तो आपके लिए मैं थोड़ा सा, मेरे हिसाब से विजुअल होना चाहिए, और नहीं दिख रहा तो मैं जूम कर देता हूं आपके लिए थोड़ा सा, ये लीजिए, मैं वापस वहां पे ले जाऊंगा, चिंता मत करना, बस मुझे एक एग्जाम्पल लेके समझाना है आपको, और कुछ नहीं। एंडोर्समेंट, मान लीजिए ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, मुझे एक चेक मिला, चेक, चेक मैंने क्या करा, रिसीव। और कई बार ऐसा होता है जब हमें चेक मिलता है तो हम अपने पार्टी को क्या बोलते हैं, हम पार्टी को बोलते हैं बिल। सबसे पहले एंडोर्समेंट का मतलब होता है ट्रांसफर, अभी समझ में आएगा। हमने पार्टी से बोला भाई अमाउंट लिख दो, मान लो पार्टी ने लिख दिया 10,000, जो पर्सन था उसने यहां पे मेंशन किया 10,000। हालांकि ऐसे कई बार होता नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, और यहां पे भी 10,000 लिखा और यहां साइन कर दिया। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है जी। अब इस चेक को जो मुझे मिला है मेरे बिजनेस को, मैं कहां लेके जाऊंगा, इसको लेके जाऊंगा मैं बैंक में, इसको लेके जाऊंगा बैंक में। क्यों लेके जाऊंगा बैंक में, क्योंकि मुझे ये बैंक में क्या करना है, जमा करना है। जैसे ही इस चेक को मैं बैंक में लेके जा रहा था, मान लो ये मैं हूं, ये मैं हूं और ये आप हो, आप यू। जैसे ही ये चेक लेके मैं कहां जा रहा था, मैं जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, कहां जा रहा था बताओ, मैं जा रहा था बैंक में। चलिए बैंक चलते हैं, टिक 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 टिक, बैंक जा रहे हैं बैंक। वैसे ही रास्ते में मुझे ये मिल गया बैंक के दरवाजे पे ही, और आपको मुझे 10,000 रुपये देने हैं। आपने बोला भाई आप मुझे मेरे 10,000 रुपये लाओ। वैसे तो कायदे से देखा जाए तो जो ये मुझे चेक मिला है वो चेक मेरे कहाँ आना चाहिए, कैश बुक के अंदर, इधर आना चाहिए। और किससे मिला है मुझे ये चेक, ये चेक मिला है मान लो सोनल से, चेक जो मिला है मुझे सोनल से मुझे मिला, तो मैं तो यहां पे करना चाहिए मुझे टू सोनल, टू सोनल मुझे बैंक कॉलम में कर देना चाहिए। लेकिन देखो इत्तफाक क्या हुआ, मुझे चेक मिला और मैं बैंक में जमा करने जा ही रहा था कि आपने बीच में बोला मेरे 10,000 दो। मैंने कहा आपके 10,000 देने हैं और मेरे पास चेक भी 10,000 का है, एक काम करो ये चेक आप लीजिए, इस चेक को मैंने इसके हाथ में दे दिया, ये चेक आप लो। क्या इस चेक को मैं अपने खाते में जमा करवा पाया, नहीं। अब ये चेक आपके पास है, आपने अपना नाम लिखा बड़े ही प्यार से, मेरा नाम यू है, और यू लिख के आपने बैंक में जमा करा दिया। तो जो सोनल से मुझे पैसे मिलने थे वो मुझे मिलने थे, लेकिन किसी कारण की वजह से, किसी रीजन की वजह से वो मुझे नहीं मिल पाया। किसको मिल गया वो मिल गया आपको। तो मेरे अकाउंट में पैसे आए क्या, नहीं आए। तो जब कभी भी चेक एंडोर्समेंट होगा तो इसकी एंट्री, क्योंकि मेरे पास ना ही आया है और ना ही मेरे अकाउंट से गया है, तो इस केस में इसके करेंगे हम नो नीड, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगा। क्यों, बिकॉज चेक एंडोर्स टू, किसको एंडोर्स किया, यू। तो हमेशा याद रखिए,
चेक एंडोर्समेंट की कभी कोई एंट्री नहीं करते हैं हम, इस बात का आपको ध्यान रखना है, चेक एंडोर्समेंट की कभी भी एंट्री नहीं करेंगे। तो पॉइंट नंबर वन कॉन्ट्रा एंट्री देखा, चेक एंडोर्समेंट बताओ मैं टू में लिखूंगा या बाय में लिखूंगा। तो सिंपल सा जवाब है सर, चेक जब एंडोर्समेंट होगा तो हमारे अकाउंट में जब पैसे ही नहीं आए तो हम इसको टू और ना ही मेरे अकाउंट से गए हैं, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस पहले भी वही था अब भी यही है। तो इसको हम एंडोर्समेंट को अपने कैश बुक में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कहीं भी नहीं लिखेंगे। वेरी सिंपल, ठीक है, नोट नंबर टू करिए। फिर इसके बाद नोट नंबर थ्री पे आएंगे, चेक डिसऑनर्ड की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चेक, ये मैंने चेक की बात कर दी एंडोर्समेंट, अब आ गया ये नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, इसको नोट करिए फटाफट से जल्दी जल्दी। नोट नंबर टू, इसके लिए मैं प्रॉपर टाइम दूंगा, जो ये टू कॉलम कैश बुक मैंने लिखा है इसमें अभी एडिंग करते जाऊंगा मैं पॉइंट, तो मैं टाइम दूंगा, इसलिए अभी आप ना नोट करें इसको, आप सिर्फ नोट करना है उस नोट को, स्पेस एक पेज छोड़ दें आप, एक पेज में आ जाएगा। जल्दी जल्दी करिए नोट फटाफट से। कर लिया, ठीक है जी। तो एंडोर्समेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफर करना। जैसे मेरे पास, और इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लगता है, जैसे मेरे पास एक पेपर है जिससे मैं क्वेश्चंस करवाता हूं आपको, मेरे पास असाइनमेंट है, और ये पेपर मैं क्या करता हूं, ये पेपर मैं सेंड कर देता हूं किसी और को, सेंड का मतलब किसी और को दे रहा हूं, तो इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है एंडोर्स करना, यानी एंडोर्समेंट। ठीक है, इरेज कर दिया जाए इसको। ओके, पॉइंट नंबर टू भी खत्म, नोट नंबर थ्री, अब इसको आपके लिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं। नोट नंबर थ्री, डिसऑनर्ड, डिसऑनर को हम बाउंस भी बोलते हैं। ठीक है, डिसऑनर के केस में पहले हम चेक रिसीव करते हैं, उसके बाद वो डिसऑनर्ड हो जाता है। जैसे अगर मैं पॉइंट नंबर वन की बात करूं, मैंने बोला चेक रिसीव एंड डिपॉजिट, चेक रिसीव फ्रॉम मीना, चेक रिसीव फ्रॉम मीना एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, अमाउंट जो भी एक्स वाई जेड है, 10,000 20,000, तो इसका मतलब है मुझे मीना से चेक मिला और मैंने बैंक में जमा कर दिया। तो आप मुझे यहां पे बताइए कि हम बाय साइड में लिखेंगे जब चेक रिसीव हुआ है, या टू साइड में लिखेंगे। तो आंसर इज सर, जब चेक रिसीव किया है आपने तो उसे लिखा जाएगा टू साइड में, क्योंकि हमारे बैंक में पैसा आएगा। मैंने लिखा टू मीना, जिससे चेक मिलेगा उसका नाम आएगा, चेक रिसीव वर्ड नहीं आएगा, टू मीना बैंक कॉलम में। लेकिन कुछ दिन बाद ये मान लेते हैं ये हमारी 21 तारीख की एंट्री है, 25 तारीख को एंट्री करने के बाद मुझे पता चला मीना चेक, और मान लेते हैं यहां पे मैंने 1,000 रुपये लिख दिया, और चलो मैं आपके लिए यहां 1,000 रुपये लिख देता हूं, ठीक है, इसी के लिए है ये, यहां पे क्रॉस ना लगा के मैं 1,000 रुपये लिख देता हूं। ओके, मैंने लिखा मीना चेक डिसऑनर्ड, बस मैंने इतना लिखा। मीना वाला जो चेक था, जो मीना ने चेक दिया था, वो डिसऑनर्ड हो गया। इसका मतलब मीना से जो मुझे लग रहा था कि पैसे मिलेंगे, वो मिला नहीं, वो चेक बाउंस हो गया, हमारा डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है भाई, मीना वाले चेक हमारे क्या हो गए, डिसऑनर्ड हो गए। अब क्या करें भाई, मैंने तो यहां गलत एंट्री कर दिया है, तो मैंने तो गलत एंट्री, तो इसको मिटाना नहीं है आपने, इसको नहीं मिटाना, इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे। रिवर्स एंट्री कर देंगे, किस डेट पे डिसऑनर्ड हुआ, 25 को, तो 25 एक को कर देंगे बाय मीना, बाय मीना। और ये किस में माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस किस में किया था, बैंक वाले कॉलम में,
और माइनस किस में होगा, बैंक वाले कॉलम में। तो ये है हमारा डिसऑनर्ड की एंट्री। तो डिसऑनर्ड की एंट्री के केस में क्या होता है, हमारे दो जगह जाएंगे, ये दो डेट भी होंगे, एक तो रिसीव डेट होगा, रिसीव डेट, और एक होगा डिसऑनर्ड डेट, डिसऑनर्ड डेट। रिसीव डेट की बात करें तो जिस दिन रिसीव हुआ है वो तो हमारा टू साइड में जाएगा, वो तो हमारा टू साइड में जाएगा जिस दिन रिसीव हुआ है, और एक है हमारा बाय साइड में जाएगा। कब जाएगा बाय साइड में, जिस दिन हमारा डिसऑनर्ड हुआ है बाय साइड में। नेम सेम रहेगा दोनों ही केस में, मीना है तो दोनों ही केस में नेम क्या होगा, नेम सेम रहेगा। अब जरूरी नहीं है कि मीना हो, कोई कंपनी भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी भी हो सकता है। अगर टाटा से मुझे चेक मिला हो तो टू टाटा एंड कंपनी लिखूंगा, और उसका चेक डिसऑनर्ड हो गया तो बाय टाटा लिख के बैंक कॉलम में करूंगा, दैट्स इट, खत्म। ये था हमारा चेक डिसऑनर्ड पे नोट नंबर थ्री, इसको नोट करिए। फिर हम आएंगे नोट नंबर फोर पे, जो कि हमारा चेक इन हैंड से रिलेटेड नोट नंबर फोर, और इन सभी का आपने जर्नल एंट्री करना चाहते हो तो अलग से कर सकते हो। चलिए नोट नंबर थ्री नोट करिए आप। कर लिया नोट, है ना, पढ़ाई अच्छी चल रही है ना आपकी, वीडियो क्लासेस देख रहे हो ना अच्छे से? हाँ जी सर, देख रहे हैं, बिल्कुल देखते रहना है। और मैं इसे अब मिटा देता हूं। अब आते हैं नोट नंबर फोर। नोट नंबर फोर, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, नोट नंबर फोर, हम आ गए चेक इन हैंड पे, ठीक है, चेक इन हैंड जी। अब चेक इन हैंड क्या होता है और कब हमें चेक इन हैंड वर्ड का इस्तेमाल करना है, देखिए मान लेते हैं कि मुझे एक चेक मिला, कहाँ गया, कोई चेक ले लेते हैं, एक पेज ले लेते हैं ना, और ये चेक तो है नहीं, लेकिन मानिए ना आप ये चेक है, निकल जाओ भाई निकल जाओ। वैसे तो वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर, लेकिन ये मेरे पास एक चेक है और ये चेक मुझे मोहन से मिला है, मोहन ने मुझे चेक दिया, और अगर मेरा कैश बुक है, ये कैश बुक एक महीने का कैश बुक बनने जा रहा है, तो अगर मुझे मोहन ने ये चेक दिया है तो मुझे क्या करना चाहिए, टू मोहन लिख के अपने बैंक कॉलम में लिख देना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या मेरे साथ, इस चेक को मैंने जब मोहन ने दिया तो ये चेक रह गया मेरे पॉकेट में, ये चेक रह गया मेरे पॉकेट में। जनवरी के 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 23, 31 तारीख तक ये मेरे पॉकेट में ही रह गया। जब ये मेरे पॉकेट में रहा, क्या मेरे बैंक के अंदर पैसा आया? जवाब है सर नो, मेरे बैंक में पैसा नहीं आया। तो ये चेक जो हमारे इन हैंड का मतलब, ये चेक देखो 31 तारीख हो गया, लेकिन ये चेक किसके पास है, मेरे हैंड में है, मेरे हाथ में है, देखो मेरे हाथ में है। तो ऐसे प्रोसीजर को हम बोलते हैं चेक इन हैंड, ऐसे प्रोसीजर को हम बोलते हैं चेक इन हैंड, ठीक है। तो एक सेकंड होल्ड करिएगा। कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं रिकॉर्ड। चलिए, तो मैं आपको क्या समझा रहा था, सॉरी वो एक कॉल आ गया इंपॉर्टेंट उसके लिए। तो ये चेक मेरे पास है तो इसको बोलते हैं चेक इन हैंड।
आपको समझना है, अगर ये चेक मेरे पास ही रह गया, इसको बैंक में जमा नहीं कराया, तो एंट्री तो यहां करेंगे, भले ही मुझे किसी से मिला हो, मोहन से मिला हो, सोहन से, उसका नाम नहीं आएगा, यहां एंट्री करेंगे चेक इन हैंड के नाम से बैंक कॉलम में। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये चेक मुझे राजू ने दिया, राजू ने जैसे ही दिया और ये मैंने फटाफट उसी दिन जाके बैंक में जमा भी करवा दिया। अब ये चेक मेरे हाथ में है क्या? ये बैंक में जमा हो गया, गया बैंक में, क्या ये चेक मेरे हाथ में है, मेरे पॉकेट में है? नहीं है। अब इसकी एंट्री करेंगे टू राजू के नाम से, चेक इन हैंड के नाम से नहीं करेंगे। तो चेक इन हैंड वर्ड का इस्तेमाल कब होगा, कब करेंगे चेक इन हैंड का इस्तेमाल? व्हेन चेक रिसीव चेक रिसीव्ड, जब चेक रिसीव हो एंड नॉट डिपॉजिट डिपॉजिट इन टू बैंक, नॉट डिपॉजिट इन टू बैंक, तो किस नाम से एंट्री होगा? चेक इन हैंड के नाम से। फॉर एग्जाम्पल, मैं एंट्री की बात मान लेते हैं 21 हो गया, 25 तारीख, 25-1 चेक रिसीव रिसीव फ्रॉम मान लेते हैं दीपक ₹5,000। क्या इस चेक से आपको पता चल रहा है कि इस चेक को आपने जमा करवा दिया बैंक में? इस सेंटेंस से सिर्फ हमें इतना ही पता चलता है कि जो चेक हमने रिसीव किया है उस चेक को अपने पास में ही रखा है, अभी जमा नहीं कराया। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, 25 तारीख को, 25 एक को टू चेक इन हैंड, मे बी आपको विजुअल कम हो लेकिन देख लेना आप, फिर भी मैं बोलता जा रहा हूं, ये आ गया चेक इन हैंड। समझ में आई बात आपको? मैंने क्या लिखा, टू चेक इन हैंड। इसके साथ साथ 26-1 को मैंने बोला दीपक, दीपक चेक, दीपक चेक डिपॉजिट डिपॉजिट इनटू बैंक। तो आपको ये दोनों एंट्री चेक करना है। देखो दो एंट्री दिया, यानी इस दोनों एंट्री को देखने के बाद डेट अलग अलग है, पूरे क्वेश्चन में ढूंढना है आपको, पूरे सिचुएशन को देखना है। इसका मतलब है मुझे दीपक से चेक जिस दिन मिला उस दिन मैंने बैंक में जमा नहीं कराया, मैंने जमा करवाया 26 को। तो हमारे पास 25 तारीख पहले डेट है, तो हम 25 तारीख की एंट्री करेंगे, और जो ये 26 तारीख की एंट्री है इसको हमें नहीं करना, इस एंट्री को हम नो एंट्री लेंगे, मतलब इसकी एंट्री नहीं करने की आवश्यकता है। कारण क्यों, क्यों इस एंट्री को नहीं किया जाएगा? रीजन बीइंग, क्योंकि इसको ₹5,000 एक बार आप लिख चुके हो, मैं इसको काट के दोबारा 5,000 यहां लिखूंगा तो वो मेरा गलत हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो जब कभी भी आपको चेक रिसीव फ्रॉम दीपक और उसी से रिलेटेड ढूंढो, नीचे अगर बोलता है उस चेक को जमा कराया गया है, तो उस सिचुएशन में जिस दिन चेक को रिसीव किया है उस दिन एंट्री करेंगे, किस नाम से? चेक इन हैंड के नाम से। एक और एग्जांपल देखिए, 27 तारीख को या 28 जनवरी को चेक रिसीव फ्रॉम सोहनलाल, सोहनलाल ₹10,000। इसके बाद कोई एंट्री नहीं है, इसके बाद सोहनलाल से रिलेटेड कोई वर्ड ही नहीं बोला गया, सिर्फ चेक रिसीव फ्रॉम सोहनलाल है। आपने पढ़ लिया, 29 भी देख लिया, 30 भी देख लिया, 31 भी देख लिया, है ही नहीं। अब हालांकि चेक रिसीव आपने सोहनलाल से किया है, होना चेक इन हैंड चाहिए, लेकिन अगर मैं 30 तारीख को 28 जो हमारा सोहनलाल का है, सोहनलाल का जो है चेक, वो मैंने डिपॉजिट किया है, डेट पे इंटीमेशन देता हूं कि मैं, तब हमें चेक इन हैंड का इस्तेमाल करना है, पता ही नहीं है, तो नाउ आप चेक इन हैंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
तो आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में, क्या करेंगे? वेरी सिंपल, हम लिखेंगे टू सोहनलाल, टू सोहनलाल, और बैंक कॉलम में जाके लिख देंगे 10,000 रुपए। मैं क्रॉस लगा रहा हूं यहां पे, बैंक कॉलम में जाके लिख देंगे 10,000। तो आप बात को समझिए, कब हमें चेक इन हैंड वर्ड का इस्तेमाल करना है और कब हमें चेक इन हैंड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो दो सिचुएशन है। चेक इन हैंड का आपको इस्तेमाल कब करना है? चेक इन हैंड का इस्तेमाल हमें तब करना है जब हमें चेक रिसीव करने के बाद आगे की तारीख पता हो, तभी करेंगे। जी सर, तो देखिए दो तरीके की एंट्री करी मैंने, आप ध्यान से देखिए इसको। जो ये वाला था हमारा, मैंने ग्रीन मार्कर से किया यहाँ पे चेक इन हैंड के नाम से, और ये वाला चेक था ये यहाँ किया मैंने, ये है हमारी डेट 28/1। ठीक है, समझ में आए? साथ के साथ चेक इन हैंड की हमें जर्नल एंट्री भी करके दिखा देता हूँ। पहले हमें चेक रिसीव हुआ, चेक इन हैंड किससे रिसीव हुआ, मैं इसकी जर्नल एंट्री कर रहा हूँ, इसकी जर्नल, और ये आपने करके दिखाना है। 25 तारीख को एक जर्नल एंट्री करूंगा, 25/1 को चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और टू किससे मिला है भाई, ये मिला है दीपक से, और ये अमाउंट आ गया 5,000 रुपए, है तो 5,000 लिख देते हैं। आई होप फुली कि आपको समझ में आ रहा होगा। बींग चेक इन हैंड या चेक रिसीव फ्रॉम दीपक ओनली, चेक रिसीव फ्रॉम दीपक, ठीक है। इसके बाद अब करेंगे हम कब, 26/1 को। अब ये चेक बैंक में चला गया, तो अब एंट्री करेंगे, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, जनरल एंट्री इतनी तो आप कर चुके हो, तो अब यहां पे लिखेंगे चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, बीइंग चेक डिपॉजिट, डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है। यहां अमाउंट क्या आएगा, सेम अमाउंट। तो देखिए चेक इन हैंड मिला एसेट से टू दीपक, और बैंक जब जमा करेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और मेरे पास से चेक बैंक में चला जाएगा। तो पहले तो हमने एसेट्स माना है, इसे एसेट्स खत्म होगा तो क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा चेक इन हैंड। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और आ सकता है, वो क्वेश्चन के बीच में आएगा तो डिसऑनर्ड होगा, चलो मैं बता ही देता हूं। सपोज करिए कि 25 तारीख की, आप सपोज करिए कि 25 तारीख को आपने चेक रिसीव किया और यहां पे 26 को जमा करवाया, लेकिन अगर 25 को रिसीव किया और 26 को आपने जमा करवाया और आपको 28 को पता चले या 27 को पता चले, ये चेक तो हो गया डिसऑनर्ड। तो जब आपने रिसीव किया 25 को और 28 को जमा करवाया, तो 28 की, तो 25 को रिसीव करके 26 को जमा करवाया, तो आपने 26 तारीख की तो एंट्री करी नहीं है, आपने 25 की करी है, और 25 की किस नाम से करी है, आपने चेक इन हैंड के नाम से करी है, लेकिन आपको 27 को पता चला कि ये चेक हो गया डिसऑनर्ड, क्योंकि चेक जमा करवाया ना, तो बैंक वालों ने बोल दिया इस चेक से पैसे नहीं मिलेंगे, तब आपको 27 तारीख को एंट्री करना पड़ेगा बाय साइड में, और बाय दीपक करके एंट्री करना पड़ेगा, ना कि चेक इन हैंड के। जैसे इस केस के अंदर मैंने मीना करा, और बाय साइड में भी मैंने डिसऑनर्ड के केस में मीना करा था, ब्रैकेट में लिख भी देता हूं डिसऑनर्ड का एंट्री है ये, ठीक है। लेकिन इस केस में टू साइड में चेक इन हैंड है, जब डिसऑनर्ड होगा तो उस सिचुएशन में हम लिखेंगे बाय दीपक ही लिखा जाएगा। तो ये छोटी सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या करा, हमने पहले देखा, सबसे पहले हमने देखा कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री के बाद एंडोर्समेंट देखा, डिसऑनर्ड देखा, डिसऑनर्ड के बाद ये कॉन्सेप्ट था हमारा चेक इन हैंड, और एक रिटेन बाय द बैंक जो कि हमने फर्स्ट क्लास में चर्चा करी थी, रिटेन बैंकर के थ्रू, वो एंट्री भी हमने देखा हुआ है, बाकी इसमें भी आएगा तो हम देखेंगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है सर, यहां तक हमें समझ में आ गया। चलिए अब इसका बैलेंस करते हैं हम। ये था हमारा टू कॉलम कैशबुक फॉर्मेट पे। यकीन मानिए जब आप इस फॉर्मेट को ठीक से समझेंगे, नोट करेंगे, तो मेरे हिसाब से कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है।
एक और एंट्री है वैसे एडजस्टमेंट, वो क्वेश्चन होगा तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? तो इसको टोटल करेंगे, ध्यान दीजिए, मैं रेड मार्कर यूज कर लेता हूँ टोटलिंग के लिए। इसको टोटल किया हमने और फिर इसको टोटल किया, ये अलग अलग टोटल है, और एक इधर टोटल किया और एक इधर टोटल किया अलग अलग। इस टोटल को, ये जो टोटल है इस टोटल के आगे लिखना है, यानी ये इसके लिए है। तो इस साइड में अगर निकलता है तो क्या निकलेगा, बाय बैलेंस सीडी, और ये हमेशा निकलेगा मंथ के एंड में, और यहां आ गया बाय बैलेंस सीडी, है ना। बाय बैलेंस सीडी के बाद अगर मैं बात करता हूं बैंक के लिए, तो बैंक का फिर अगेन टोटल करेंगे और इस टोटल को इधर लिखेंगे और यहां निकल जाएगा बाय बैलेंस सीडी। कई बार ऐसा पॉसिबल है कि बैंक का बैलेंस सीडी इधर ना निकल के ये टोटल ज्यादा है तो बैंक का सीडी इधर निकलेगा, पॉसिबल हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, जिधर का टोटल होता है ज्यादा उस साइड तो बैलेंस निकलता नहीं, उसके अपोजिट साइड में निकलता है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट को अच्छे से साफ साफ नोट करिए। अब इस फॉर्मेट पे जो भी डाउट आएंगे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप और एसएमएस जो भी है वो कर सकते हैं, मैंने बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने बोला हुआ है, आप इसको अच्छे से नोट करिए। और डेफिनेटली मैं कहता हूं कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट सिर्फ समझ में आया है, इसके बाद वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लूंगा और उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को मैं अच्छे से करूंगा। तो इस फॉर्मेट को नोट करिए, और इस फॉर्मेट को मैंने क्या क्या बोला है ये अपने माइंड में रिमाइंड रखिए, आप इसको माइंड में रिमाइंड रखिए। तो ये था हमारा टू कॉलम कैश बुक का प्रॉपर एक ओवरव्यू, एक चार्ट कि टू कॉलम कैश बुक में हम किन किन चीजों के साथ डील करेंगे और किन किन चीजों को फेस करेंगे। तो ये टू कॉलम कैश बुक है, अब फटाफट से नोट करिए प्यारे बच्चों, और नोट करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं अगली क्लास में, इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। अभी जीएसटी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, जीएसटी इसके बाद मैं इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करूंगा जब ये पूरा हमारा खत्म हो जाएगा, तो एक जीएसटी से बेस मैं अलग से क्वेश्चन कर दूंगा। तो इसको नोट करिए फटाफट आप। नोट करिए, मैं जूम कर देता हूं नोट के लिए। ऊपर कुछ नहीं, ऊपर बस कैश बुक है। ठीक है, इसे पॉज करके नोट करिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, गुड नाइट। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, और अब जिस जिसके डाउट है मैंने कमेंट सेक्शन में तो लिख दिया है डाउट। होपफुली मैं टॉकिंग नहीं कर पाया उस टाइम पे, क्योंकि रीजंस है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा था। फिर भी आपको कितने नोट लिखवा दिए मैंने, टोटल तीन नोट लिखवा दिए, तीन हो गए या चार हो गया, एक कॉन्ट्रा, एक एंडोर्समेंट, एक डिसऑनर्ड, ये चार नंबर है, इसको चार नंबर करिएगा, और ये चार नंबर के नोट लिखा है। ये चारों नोट को अच्छे से आप देखिएगा, उसके बाद देन हम टू बी कंटिन्यू आगे करेंगे, और नेक्स्ट क्लास हम कल मिलते हैं। और इसके अंदर क्या करेंगे हम, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कॉन्ट्रा को ध्यान में रखना है आपने, ये हमारा डिसऑनर्ड की एंट्री है, एंडोर्समेंट के लिए तो एंट्री करते ही नहीं है, और चेक इन हैंड के बारे में मैंने बता दिया, और उसकी जनरल एंट्री भी एग्जामिनर को करके दिखानी है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।